video is sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lickables. वाह मूवी में तो मजा ही आ गया. अब तो सिर्फ 5 मिनट बाकी है. अब 5 मिनट बाकी, डिसाइड तो कर ले नेक्स्ट मूवी कौन सी देखनी है. हैप्पी न्यू ईयर. हाँ, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले. इंडिया वाले. अरे ये बच्चे कब से मूवी देख रहे हैं. लेकिन करें भी तो क्या करें बच्चे, क्योंकि इनकी छुट्टियां चल रही हैं. छुट्टियों में बुक तो उठाने वाले हैं नहीं ये लोग. तो ऐसा क्या करूं कि जिससे ये लोग गेम भी खेल सके और कुछ सीख भी सके. कुछ तो सोचना पड़ेगा. आइडिया, चलो नेक्स्ट मूवी. नेक्स्ट हम तो घर पर नहीं, हम तो न्यू ईयर का सामान लेने गई है. हाँ, वो घर पर नहीं है मतलब कौन हो सकता है. मैं देखूंगा दीदी, अब थोड़ा भी मत डरो. हाँ बच्चे हो मानो. नहीं, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे. ठीक है जाओ देखो. मैं एक चोर हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता. मैं कोई चोर और सही नहीं था, मैं छोटा भीम की शक्ति है. दीदी लड्डू. लड्डू नहीं है. चॉकलेट. चॉकलेट भी नहीं है. मैंगो. मैंगो भी नहीं है. कुछ तो दो. हवा है ना, खा लो. अरे मैं अंदर रहूँ कि इधर ही खड़ा रहूँ. एक मिनट, पहले सैनिटाइजर करो. हवा अंदर. यहाँ पे खड़े हो. हाँ, बोलो क्या काम है अंकल. अरे ये चोर इतना दूर से थक के आया, इसको बैठाओ. उठाओगे कि खड़ा ही रखोगे. जंगल झाड़ी में भागते भागते आया हूँ. नहीं नहीं, तुम बुरे काम कर दो, तुम्हें हम बैठाएंगे नहीं. अरे मैं बुरा वाला चोर नहीं हूँ, मैं बच्चों का दोस्त वाला चोर हूँ. मैं तुम्हारे लिए एक लेटर लाया हूँ. तुम पोस्टमैन हो. नहीं नहीं, पोस्टमैन वाले चोर हो. पूरी तरह से सैनिटाइज किया है. डरो मत बच्चों. It was a prank. मैं मम्मी हूँ. अरे मम्मा आप. हाँ मैं वही सोची हूँ. मैं चोर कब से नेल पॉलिश लगाने लग गया. हाँ पॉइंट. अरे ये मैं नेल पॉलिश छुपाना ही भूल गई. दीदी मेरे साथ क्यों किया आपने. क्योंकि मैं देख रहे हैं कि तुम लोग दिन भर मूवी में लगे हो, टीवी देख रहे हो. तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए. मैंने तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गेम प्लान किया है, उसमें तुम लोग को गिफ्ट भी मिलेगा. हाँ गेम खेलने में मजा आएगा. उसके लिए ऐसा ही नहीं मिलेगा, उसके लिए तुमको पहले गेम खेलना पड़ेगा. वो गेम है ट्रेजर हंट. मजा आएगा. पहला चीट रहा. मेरा भाई बड़ा शैतान, बैठे है नाक पर पकड़े कान. मारा शैतान तो है. मैंने इसका नाक पकड़ लिया, तू इसका कान पकड़ लो ना. नहीं तो बगीचे से लग रहा है. ऐसी कौन सी चीजें जैसे नाक डालते हैं और कान पे. ऐसी चीज जो इधर ऐसे बैठी इधर तक ऐसे जाके इधर हो जाए. क्या तुम भी वही सोच रही हो. मैं सोच रही हूँ. क्या होती है तू. तू पहन का चश्मा. हाँ मैं भी चश्मा ही सोच रही थी. चश्मा. अरे चश्मा कहाँ है. लेकिन हॉल में. चलो ढूंढते. चलो वो देखो. चलो इसके नीचे. चलो ढूंढते. तुम इस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखती हूँ. वाओ, ये रहा कैडबरी डेयरी मिल्क इन लिकेबल्स. ये देखो चश्मा और हमारे पास गिफ्ट भी है यहाँ पे. वाओ लिकेबल्स. चलो इधर आके बैठ के खोलते हैं. चलो 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 चलो. अरे आइए जल्दी आओ. ये तो लिकेबल्स से मजा ही आ रहा है. वाओ बोले. अरे वाओ टॉयज भी है. वाओ टॉय. अरे इसके अंदर तो जग्गू है. जिंदगी में आपको सीजर्स लेके आओ. वाओ जग्गू है. जग्गू द मंकी. तुम्हारा जग्गू इधर आ चुका है. अरे यहाँ तो स्टिकर्स भी है ये देख. हाँ इसमें स्टिकर्स तो है ना, जिससे हम अपने भीम फ्रेंड्स को
डेकोरेट कर पाए एकदम अच्छे जिसको एकदम रियलिस्टिक लगे। चलो इसको डेकोरेट करते हैं जिससे हम इसको खेल सके। नाइस, वाओ, ये सब तो छोटा भीम के कैरेक्टर है ना। हाँ, ये छोटा भीम, ये जग्गू है। जग्गू ने अंकित जो हमेशा भीम का दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है भीम का। तो कौन पहले टेस्ट करेगा? कितना अच्छा दिख रहा है, खा के देखो। यम्मी तो होगा ही ना मानव। इसमें कैडबरी डेयरी मिल्क एंड ओरियो का एकदम यम्मी कॉम्बिनेशन, और इसके टॉयज इतने मजेदार रहते हैं कि मतलब वो लर्निंग के बहुत ही मजेदार और फन बना देते हैं। अरे इस क्यूआर कोड का क्या काम है? अब देखो हमें बस हमारे जग्गू फ्रेंड्स, जितने भी हमारे भीम फ्रेंड्स हैं, हमने उनको देख तो लिया, लेकिन उसको और रियलिस्टिक फील करने के लिए हमने उसका AR वर्जन दिया है। तो इसके लिए आपको बस अपना फोन लेना है और प्लेपैड ऐप डाउनलोड करना है। अब मैंने प्लेपैड ऐप डाउनलोड कर दिया, मैं खुद को रजिस्टर कर देती हूँ, लॉग इन कर देती हूँ अपने फोन नंबर से। तो अभी हम लोग को बेसिकली क्या करना है, देखो इसका स्क्रीन आ गया, अभी तो स्कैन दी QR कोड। अब हमें इस QR कोड को स्कैन करना है जो इसके पीछे लगा है। आप भी प्लेपैड ऐप पे भीम के साथ दुनिया के बेस्ट मॉन्यूमेंट्स की सैर पे जा सकते हो। जिस लिखे लाओ और उसके अंदर दिए गए शीट के पेज नंबर 4 का QR कोड स्कैन करके नए स्टेजेस अनलॉक करो। ऐसे सिंपल। अब स्कैन करने के बाद हमारा AR वर्जन अनलॉक होता है, तो अभी हमें एक मॉन्यूमेंट मिलता है। तो चलो हम लोड करते हैं मॉन्यूमेंट को। भीम, सो वेयर आर वी गोइंग टुडे? टुडे वी आर गोइंग टू आगरा टू सी द ताज महल। तो दोस्तों आज छोटा भीम और उनके फ्रेंड्स जा चुके हैं हमें ताज महल पर। हाँ गाइस, लोग दूर दूर से आते हैं बस ताजमहल को देखने, और यहाँ तो ताजमहल खुद ही हमारे पास आ गया। अब हम ताजमहल को और अच्छे से देखने के लिए उसको जूम कर सकते हैं, जिससे हमें सारी चीजें अच्छे से दिखे, और हम रोटेट करके ऑल 360 डिग्री व्यू भी देख सकते हैं। और यही नहीं, अगर हमें समझना है ऐसे कुछ अलग सा मॉन्यूमेंट आगे जो हमें नहीं आया, सिंपली हमें आई पे दबाते हैं जिससे हम जान सके, क्योंकि हम उसके बारे में डिटेल जान सके, ताजमहल कहाँ है, कैसे बनना। और फिर क्वेश्चन मार्क में दबाओगे तो आप उसके बारे में और डिटेल्स में जान पाओगे, उसके पिलर के फोर्ट के बारे में। हाँ गाइस, इसके अलावा हम फोटो भी खींच सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देखा, आप इस गेम के साथ बहुत कुछ सीख भी सकते हो। चलो अब बहुत की बात है, अब और स्टेजेस अनलॉक करने के लिए हम और लिखेबल ढूंढते हैं। तो चेक तो चश्मा का, तो चश्मे के अंदर होना चाहिए। ये रहा चेक, इतना आसानी से मिल गया। छोटे से मुटकेदास, मुटकेदास का बोलो, छोटे से मुटके दास कपड़े पहने 150। अरे 150 तो ह्यूमन को नहीं पहनेगा, कोई चीज ही होगी। अब कोई छोटी सी चीज जिसको छीनना पड़े, इसकी लेयर्स ही लेयर्स। अन्या, अरे हाँ मिल गया चिट का नाम, तो चलो ढूंढते हैं। चलो प्याज की टोकरी कहीं तो होती है, प्याज की टोकरी। ये हाँ लिखी था। वाओ, और ये रहा हमारा चिट। वाओ, चलो आ जाओ। तो इस चिट में लिखा है, ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसकी पेट में दांत है? दांत बेसिकली फ्रूट में दांत तो नहीं होता, सीड्स होते हैं। सीड को ऐसा फ्रूट जिसके अंदर कुछ व्हाइट कलर का हो। व्हाइट कंपलसरी नहीं है, दांत मतलब ऐसे जैसे किसी चीज को पकड़ा हो। अनार तो मैंने यही देखा था अभी, फ्रिज में होना चाहिए ना। अरे यार यहाँ पे तो नहीं है, कोई और ही होगा। इतने सारे ग्लास यहाँ क्या कर रहे अरे यहाँ पे तो चिट है, तो प्रोमो कैरेट का है, तो प्रोमो कैरेट भी यहाँ पे ही होना चाहिए। ये रहा पोमोग्रेनेट, ये रहा कैडबरी लिक्विड्स। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं, पहले खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लिक्विड्स खाने को यहाँ पे नहीं, वहाँ हॉल में जाके इनसे को खोलते हैं और चिट को भी देखते हैं। ओके लेट्स गो, लेट्स गो। दीदी मेरे को इंतजार ही हो रहा है, मैं पहले अपना खोलूंगा। दिखा खोल के दिखा क्या है। ये देखो छोटा भीम का कार, ये तो मेरी फेवरेट कार है। अब इस
कार को आप डेकोरेट कर सकते हो इन स्टिकर्स के साथ जिससे और इंटरैक्टिव और रियलिस्टिक लगे। वाओ! तो चलो पहले हम लोग इसकी व्हील्स बना दें। हाँ बनाओ। ये देखो मानव का व्हीकल। कितनी अच्छी कार है छोटा बिंग की। यही नहीं, इसके इतने सारे कलर्स में आते हैं, इसके तीन तीन कलर्स अवेलेबल है। आप जितने लेकेबल्स अनलॉक करके उतने अच्छे आएंगे। अब आपको देखना है कि कौन सा आपने अनलॉक किया स्टेज। कौन सा? अरे ये तो कालिया है। तो ये कौन सी जगह है? लोटस टेम्पल है। कहाँ है ये लोकेटेड? अगर कुछ बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो इसमें बुलवा भी सकते हैं। इसका फ्लावर शेप इसको सबसे ज्यादा मजेदार बनाता है। तो चलो अभी इसमें हमारा गेम भी अनलॉक हुआ है। तो अभी आपने स्टेज 4 डाउनलोड कर दिया है। अब बारी हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट की, इसके साथ आपके गेम भी डाउनलोड है। तो हो गया ना एकदम स्टडी और अच्छी लर्निंग भी सीख ली है हम लोग, और साथ साथ हमें एक नया मॉन्यूमेंट के बारे में पता चला। तो इसके साथ अनलॉक हुआ है हमारा नया गेम एनिमल सॉकर। तो इसी के तरह आप गेम्स अनलॉक करके खेल सकते हो। तो इसमें एनिमल सॉकर 2 प्लेयर का है भाई, इसमें तो 2 प्लेयर गेम है। तो मैं हमारा खेलते ये लो ये लो ये 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 गोल। हम लोग बाद में खेलेंगे, अब दूसरा रिकॉर्ड करें। ये तो एकदम टेलीस्कोप की तरह है जिससे भीम हमेशा ध्यान दे सके कि कौन उसके बाजू और लेफ्ट में है, राइट में कौन है। चलो इसको खोलते हैं, हम लोग स्टिकर लगाते हैं। अरे मुझे भी लग रहा है हमारा, बताओ अच्छा लग रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है आपके, आपके दांत दिख रहे हैं। ये भी अलग अलग कलर्स में आता है, आप इसको रोटेट करके जूम कर सकते हो। इसे आपको डबल डबल पीपल लगेंगे, जैसे कि मुझे अभी आई दो दो पीपल लगे। तो इस बार हमारे पास कौन सा मॉन्यूमेंट है, कौन सा गेस्ट है, चलो देखते हैं। तो वाओ हमारे पास आया है चितानपुर और यहाँ पे छोटा भीम घूम रहा है। इस बार है बेयर स्विंग, तो अभी हम बेयर स्विंगिंग खेलते हैं। जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे, मानव बना है उसका दुश्मन, फिर भी वह उपकार करे। कौन फल देता है? इसका शुद्ध फल, ये तो आसान है, फल तो ये पेड़ देता है। हाँ, मानव का दुश्मन आपका दुश्मन पेड़ है। अच्छा मानव को तो इंसान भी तो मतलब पेड़ है, पेड़ तो घर पे है नहीं, मतलब आखिरी चिट नीचे है, आखिरी मतलब मुझे नहीं दिख रहा, ये तो क्रिसमस प्लांट टाइप लग रहा है। इधर भी नहीं है, फोटी आजू आजू में भी देखना, शायद से इधर ना आ जाए। क्या हुआ? इसमें देखो, इसमें आएगा साइड से। नहीं इसमें नहीं है, इसमें भी देख लो, नहीं है, इधर कहीं होना चाहिए। इस साइड में मैं चेक कर रही हूँ। अरे ये रहा लिकी बेल्स। अरे वाह मिल गया, चलो वहां जाके बैठ के खोलते हैं। तो हमें मिला है छोटा भीम। ये इसका हाथ भी ऐसे ऐसे हिलता है, तो लड्डू खा रहा है मेरे को लगे। हाँ लड्डू खा रहा है, लड्डू खा रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हमने अपना चैलेंज कंप्लीट कर, लेकिन मम्मा का है, हमारे गिफ्ट का है। मम्मी ने कहा था कि हमें एंड में प्राइज मिलेगा। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ इतने सारे मिकी माउस। हाँ ये सबसे बेस्ट प्राइज है। तो मजा आया ना ये चॉकलेट खा के और गेम खेल के, बहुत मजा आया मम्मा। तो देखा दोस्तों, इनको तो बहुत मजा आया गेम खेल के, और हाँ गेम के साथ साथ इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है बच्चों को। तो आप इसी अम्मी लिकी बिल्स को ट्राई कीजिए और छोटा भीम और उसके दोस्तों के साथ पूरी दुनिया घूमिए प्लेपैड ऐप की मदद से। हाँ गाइस, आज ही प्लेपैड ऐप को डाउनलोड कीजिए बाकी स्टेजेस अनलॉक करने के लिए और ये फन इंटरैक्टिव गेम्स को एंजॉय करने के लिए। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और सबसे ज्यादा जरूरी सब्सक्राइब कीजिएगा 1 मिलियन की फैमिली तक पहुंचने के लिए। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।